वहीं नीट फर्जीवाड़े को लेकर 24 लाख बच्चों के सवाल। कायम मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा से संदेह के बादल छट नहीं रहे हैं। वहीं एनटीए भले ही 1563 छात्रों को ग्रेस अंक देने का फैसला पलटकर दोबारा परीक्षा करवा रही हो, लेकिन कई मुद्दे हैं जो एनटीए कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक और इसे लेकर हुए बड़े लेनदेन का है। वहीं एनटीए और खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री इससे इनकार कर चुके हैं, लेकिन बिहार के पटना में पेपर लीक और गुजरात के गोधरा में अभ्यर्थियों को पास कराने के एवज में 10-10 लाख वसूले जाने के सबूत और मनचाहा सेंटर अलॉट होना परीक्षा में गहरे साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। देश में व्यापम घोटाले से लेकर नीट घोटाले तक लगभग 41 स्थानों पर राज्य व केंद्र सरकारों में शासकीय भर्ती के विषय पर जब भी इम्तिहान हुए हैं उनमें पेपर लीक की शिकायतें आई हैं। यदि हम वापस जाएं व्यापम प्रकरण में तो सीबीआई को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केस सौंपा था, लेकिन स्वयं सीबीआई ने जिस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन किया उसमें उन पर खुद पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके। पूरी तरीके से सुनियोजित ढंग से इस देश में जितने भी या तो रिक्रूटमेंट के लिए या नीट जैसे इम्तिहान के लिए, जिस तरह से इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में भर्ती के लिए होते हैं, क्लैट में होता है, ऐसे लगभग 41 प्रकरण सामने आए पिछले 5 सालों में। और इसमें दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी आज चुप है। लाखों अभिभावकों ने करोड़ों रुपए खर्च करके, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके सब मिलाकर उन्होंने अपने बच्चों को कोचिंग दिलवाई। कोचिंग करने के बाद जिनको कि छात्रों को ज्यादा नंबर मिलने चाहिए थे, जो कि एम्स में भर्ती हो सकते थे, वे आज इस घोटाले की वजह से पीछे रह गए। यहां तक बताया जाता है कि एक छात्र जिसको कि 720 नंबर नीट में आए हैं वो हायर सेकेंडरी के इम्तिहान में फेल हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति हायर सेकेंडरी का इम्तिहान पास नहीं कर पाया आज वो एम्स में भर्ती होने के लायक नीट एग्जाम ने बना दिया है। मेरे कुछ प्रश्न हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे और धर्मेंद्र प्रधान जी आपसे। प्रदीप कुमार जोशी जी यूपीएससी के अध्यक्ष रहे, आज एनटीए के वे अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसके पहले वे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं। उन्हीं के अध्यक्षता के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन जांच के आदेश भी वही दे रहे हैं और वही जांच करेंगे। यदि जिसने जुर्म किया है उसी को जांच सौंप दी जाए, वही प्रोसिक्यूशन का एक अंग बन जाए, तो आप समझ सकते हैं ये घोटाले कैसे कम होंगे।